करके दिखाएंगे, वायरिंग देखेंगे, वायरिंग के चिपटा तो नहीं है, कोई टूटा फूटा नहीं है, उसको हम चेक करके देख लेंगे सर सब में दोनों वायर गेज को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिंग देखेंगे, रिंग तो कहीं नहीं टूटा तो नहीं है, रिंग टूट गया है या फिर रिंग पिचक गया या फट गया है, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे, ज्यादा तो नहीं करेंगे तो टूट जाएगा ऑटोमेटिक। सर एक बार तोड़ उड़ के रखेगा, हम चेक भी करेंगे। नहीं 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 पहले सीमेंट करना ठीक है। नहीं अगर फिलामेंट वाला रहेगा है ना, मतलब जेल सेवन खोलेंगे उसमें क्या दिया हुआ दो अंगुली की मदद से उसके बाद इसको हम इसको क्या करेंगे, इतना हाथ से हल्का सा घूम पाएगा तो घुमाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चाबी इसको टाइट करेंगे। सर ये की भी जो है वो 19 पार्ट्स नहीं आता है? सर अगर डीजीएमएस में ऑर्डिनरी गिलास रख दिया, मतलब डीजीएमएस का लोगो नहीं रहा तो नहीं लगाएंगे? नहीं तो बोलेगा सर हम असेंबली नहीं करेंगे सर। पहले क्यों नहीं करोगे सर, इसमें ग्लास है वो ग्लास है, ऑर्डिनरी ग्लास है, डुप्लीकेट है, किसी को नंबर तो नहीं करो। बोले नहीं सर करेंगे ही नहीं, क्योंकि यह रूल के खिलाफ है। बोला जी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको चेंज कर देंगे, अभी तलब करके दिखाओ, उसके बाद आगे कैसे करोगे दो ही करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। रख देंगे, अभी देखिए क्या होगा, ये पूरा टाइट हो गया, ठीक। अब इसको हम इसको आराम से पकड़ के ठीक ठीक है, ये टूटा वाला सोचा तक खुल जाए, इसका रथ पे ले जाके घुमाना है। उसके ना हो गया, अरे भूल गया है ना, इसलिए उसके अंदर आवाज आवाज आएगा, अरे लॉक हुआ, फिर इसे घुमाना है। पहले ये मारेंगे, आवाज कर गया मतलब फंस गया, अब ये नहीं खुलेगा किसी तरह से, फंस गया। हाँ हो गया, ये लैंप तैयार हो गया, ये सही। अब यदि सेम यदि इसको खुलेंगे, ये क्या होता जी, जीएल सेवन, और एक रैम होता कौन सा, जीएल 60 में क्या रहता है कि जीएल 60 में रिलेटिंग सिस्टम तो है लेकिन क्या नहीं, इसमें स्केल नहीं है। अगर कोई भी लैंप अगर स्केल दिख रहा है सब में कौन होगा, वो सेवन होगा, क्योंकि सिर्फ सेवन में स्केल होता है और दूसरे जगह स्केल नहीं होता। अगर इसमें स्केल नहीं है फिर पूछेंगे कौन चीज़ है, तो बताएंगे हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि रिलेटिंग सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि ये खिंचाएगा नहीं, देखिए पर फिक्स है ना, और ये खिंचाएगा क्यों, क्योंकि ये खिंचाना नहीं सही, रिलेटिंग सिस्टम अगर यदि खिंचा रहा है। और प्लस यहाँ देखेंगे हम लोग जो रिलेटिंग सिस्टम के लिए जो बना हुआ है फिलामेंट के जो व्यवस्था दिया हुआ अरेंजमेंट वो है कि नहीं, वो रहेगा समझ में आएगा कौन सा होगा, ये 60 होगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है, स्केल नहीं है, और स्केल है दोनों है, ये 7 होता है, ठीक है। और इसमें क्या स्केल भी नहीं है और क्या नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है ना, हो गया जेल 50, ठीक है। अब इसको चलते हैं थोड़ा खोलने के लिए, इसको खोलते हैं, चलिए तेल भरने से मतलब नहीं है, खोल के ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक लॉक है ना, जो लाइन चलता है ना, नहीं मतलब लाइन चलता है सर, लाइन ये लॉक है, मैग्नेटिक लॉक है, इधर इधर देखिए, ऊपर कोई पार्ट नहीं है ना, ये पता नहीं है, ये है क्या, मैग्नेटिक लॉक है, इसे तो खोलेगा भाई, इसे तो लैंप खोलेगा, वरना लैंप ऊपर नहीं खुलेगा कभी, कोई काम का चीज है सर। अरे फिर हां सर, सर ठीक है, ये देखिए इसको क्या करना है, इसको ले जाकर कैसे सटाना है,
लाइट जला दी। अरे कैसे सटेगा तो क्या हो जाएगा, हर वो लाइट जले लेंगे। समझ में आ जाए कि मेरा क्या हो रहा है, मेरा प्रोसेस चल रहा है। इसको नीचे ले जाके एक हाथ चेंज करेंगे अपना हाथ और नीचे से घुमाएंगे। हाँ जैसा घुमा जाएंगे तो अलग जैसा खुल ना जाए। ठीक, ये खुली है। अच्छा चलिए ना। सर इसका मैग्नेट वही रख लेता है क्या? नहीं यार, मैग्नेट इसे मैग्नेट रखता नहीं है, ये उठा के रखता है, कभी उठा के रखता है। ये क्या करता है, जिसे खींच लेता है। हाँ वही है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या करता है, धागा फंस जाता है जब फट टवाच करता है ना। जैसे जैसे मैग्नेट सटाते हैं तो ये क्या करता है, ये सब खींच देता है। ठीक है, लेकिन जैसे जनरल हाथ से हम इसको नहीं खींच पाएंगे है ना, उसके लिए हम क्या करें, मैग्नेटिक लॉकर का जरूरत पड़ेगा। जैसे सटेगा तो उसको अंदर खींचा जाएगा और सुबह घुमाएंगे तो खुल जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। कोई भी इसको घुमा के खोल सकते हैं? अरे दोनों लॉक नहीं, ये क्या लॉक होगा, ये क्या दिया होगा, इसे तो हुआ सटा यहां। अरे सब उसी पे नहीं चढ़ जाना है। सर मेरा नहीं हुआ, ट्राई करना चाहिए।